एग्जाम्स, क्या आप अब साल में दो बार दे सकेंगे एग्जाम्स? नमस्कार, मैं हूं निधि तनेजा और मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाबों की तरफ लिए चलूंगी। पिछले साल कोरोना वायरस के चलते छात्रों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये परीक्षा दो बार पोस्टपोन हुई। तमाम सुरक्षा इंतजामों के साथ फिर ये परीक्षा 13 सितंबर को कराई गई। 2020 में नीट को 11 भाषाओं में कराया गया, इंग्लिश, हिंदी, एसमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, ओडिया, तमिल, तेलुगु और उर्दू। पिछले साल की तरह इस साल भी स्टूडेंट्स के मन में कुछ डर है। स्टूडेंट्स के मन में ढेरों सवाल हैं, ढेरों आशंकाएं हैं कि आखिर ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने ट्विटर पर एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से भी लगातार ये सवाल किया कि क्या ये परीक्षा साल में दो बार कराई जा सकती है। शिक्षा मंत्री से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की डेट का अनाउंसमेंट हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एग्जाम को साल में दो बार कराए जाने पर विचार विमर्श चल रहा है। हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने स्वास्थ्य मंत्रालय को खत लिखते हुए पूछा कि क्या नीट को साल में दो बार करा पाना संभव होगा। NTA ने कहा कि ये प्रक्रिया साल में दो बार होने से स्टूडेंट्स को मदद मिलेगी और उन पर स्ट्रेस और प्रेशर कम होगा। साफ तौर पर सरकार के कदम नीट को दो बार कराने की दिशा में बढ़ रहे हैं। बातचीत का दौर जारी है। इस पर फाइनल मोहर लगेगी या नहीं, इसका जवाब आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा।